चरित्र पे चर्चा में आपका स्वागत है। देश में भले ही गर्मियां और इलेक्शंस दस्तक देने वाले हों, लेकिन सातों राज्यों की खूनी दास्तान अंग्रेजों की चंद्रकांता गेम ऑफ थ्रोन्स के आगमन की खबर ने सर्दियों की सुखबुगाहट को तेज कर दिया है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सातों राज्यों में खौफ का माहौल पैदा करने वाले सर्दियों के सिपाही यानी व्हाइट वॉकर्स के बारे में। गुरु मार्टिन द्वारा लिखे पुराणों में जिक्र आता है कि सारे लौंडे पहले से ही इतने ठंडे और सख्त नहीं थे। नाइट किंग के सीने में भी कभी मोहब्बत जमा थी। कुछ नए व्हाइट वॉकर्स ने नाम न बताने की शर्त पर हमें ये बताया कि उनके सरदार अपनी जवानी के दिनों में यिगरिट की पड़नानी से दिलोजान से मोहब्बत किया करते थे। ये मोहब्बत इतनी गहरी थी कि सर्दियों के साम्राज्य के सम्राट ने अपनी महबूबा के नाम का टैटू भी करवा लिया था। पर रोज डे, टेडी डे, प्याज लहसुन डे से होता हुआ ये एक तरफा प्यार जब प्रपोज डे तक पहुंचा, तो इसका अंजाम वही हुआ जो हर एक तरफा मोहब्बत का होता है। बला की गोरी उस छोरी ने ये कह के प्रपोजल को ठुकरा दिया कि सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और ये कहते हुए अपने राइट स्वाइप्ड मैच के साथ ब्लाइंड डेट पर चलती बनी। कहते हैं कि वो रात नाइट किंग 2 बजे तक पिया। दिल में जल रही मोहब्बत की लौ पर वाइल्डलिंग गोरी ने ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर चलाया कि लौंडे का मोम सा नरम दिल लिक्विड से सीधा सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। और दिल जले ठंडे सम्राट ने यह भीष्म प्रतिज्ञा ली कि ऐसे रोमियो स्क्वाड का निर्माण करेगा जो कपल तो दूर पति पत्नी तक का मिलन नहीं होने देंगे। बस यहीं से व्हाइट वॉकर्स यूनियन की नींव पड़ी और सबसे पहला रूल यही बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा सिंगल और फ्रस्ट्रेटेड लॉन्डो की भर्ती की जाए, और वन रैंक वन पेंशन का लालच देकर लार्ज स्केल पर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स की प्लेसमेंट व्हाइट वॉकर्स कॉरपोरेशन में शुरू हो गई। वेस्टरॉस के रोमियो स्क्वाड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। जहाँ भी प्यार मोहब्बत पनपती देखते, पूरे के पूरे एरिया को ही डिसइंफेक्ट कर डालते। बचे खुचे डरे सहमे निवासियों ने वहाँ से निकल भागने में ही अपनी भलाई समझी, और कहीं पीछा करते हुए सख्त लौंडो की टोली उनका विनाश न कर दे, इसलिए अपने और उनके बीच विजय और रवि स्टार्क नाम के दो फेमस मिस्त्रियों की मदद से एक ऐसी दीवार का निर्माण किया जहाँ स्टैग एंट्री अलाउड ही नहीं थी। सारे लोगों की प्रेम की निशानियां सातों राज्यों तक फैलनी शुरू हो गई और बेचारे सख्त लौंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर नाइट किंग ने हार नहीं मानी। एक ही पापा के पाप से पैदा हुए सारे बेटों का अपनी आर्मी में रिक्रूटमेंट जारी रखा और सही मौके का इंतजार करने लगा। विजय और रवि स्टार्क की कोई मौसी नहीं थी जो उन्हें अच्छे और टिकाऊ सीमेंट की जानकारी देती। बस यही वॉल के निर्माण में चूक हो गई। खतरनाक इरादों वाले धर्म परिवर्तित दल बदलू ड्रैगन भाई विसरौन की सांसों की ताजगी ये महान दीवार सह नहीं पाए और धराशायी हो गई, और साथ ही धराशायी हो गया स्टैग एंट्री का रूल। अब सारे ठंडे और सख्त लौंडे अपने सम्राट के साथ वॉल के इस ओर पधार चुके हैं। आगे क्या होगा लॉर्ड ऑफ लाइट ही जाने।